हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी तमाम लोगों को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ण के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वो सारे चीज़ जो बच्चे लोग को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, ये जितने भी हैं वर्ण, अ, आ, ये सारे जो वर्ण होते हैं, ये सारे वर्ण को हम लोग वर्ण ही कहते हैं। ये जो ध्वनि होते हैं, ये सारी ध्वनि हम लोग इसको वर्ण कहते हैं। वर्ण को हम लोग मुख्यतः दो भाग में बांटे हैं। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वॉयल्स बोलते हैं, वैसे वर्ण जो किसी और वर्ण की सहायता के बिना ही उच्चारण होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण मूलतः कंठ या फिर तालु से ही होता है। जैसे कि अ, आ, हसई, दीर्घई, ये जितने भी हैं, ये सारे स्वर वर्ण में आते हैं। स्वर वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर का मतलब होता है जैसे कि अ, आ, हर्षई, ये जो होते हैं, अ, हर्षई, हर्षऊ, ये सारे। इसमें क्या होता है, ये सारे मूल स्वर में आते हैं। और एक संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त स्वर का मतलब होता है जैसे कि ए, ए मतलब हो गया अ प्लस ए, मिलाया तब हुआ ए। औ, जिसमें अ प्लस औ दोनों को मिलाया गया। संयुक्त मतलब होता है मिलाया हुआ। जब दो वर्ण एक साथ मिलकर तीसरा कुछ निर्माण करते हैं तो वो संयुक्त स्वर कहलाता है। मूल स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्ष्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर उसको हम बोलते हैं जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है दीर्घ के अपेक्षा, जैसे कि अ, ई, उ आदि, इसमें बहुत ही कम समय लगता है। दीर्घ स्वर हम उसको बोलते हैं जिसके उच्चारण में हर स्वर के अपेक्षा दुगना समय लगता है, जैसे कि आ, दीर्घई, ए, ओ, औ, ये सब, जिसमें उच्चारण में हम लोग को दुगना समय देना पड़ता है। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 12 वर्ण होते हैं, सॉरी 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 मूल स्वर वर्ण, जिसमें री का उच्चारण अब स्वर जैसा नहीं होता है, और 33 मूल व्यंजन होते हैं, जिसमें से दो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, दो अयोगवाह होते हैं, और चार संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, व्यंजन वैसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण में हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के सहायता के बिना हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। जैसे कि क, क में क प्लस अ मिलाकर क होता है, च प्लस अ तब जाके च होता है। तो व्यंजन का मतलब यही हुआ कि जिसमें स्वर का सहायता रहता है। अगर हम व्यंजन का बात करें तो व्यंजन भी के तीन भेद होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जो हमारे कंठ से उच्चारण होते हैं। इसमें आपका क स्वर्ग, क से लेके क ख ग घ अंग, ये जो क वर्ग हो गए, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ये प वर्ग, ये सारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन मात्र चार होते हैं, जिसमें से य, र, ल और व। उष्म व्यंजन जो होता है, इसमें भी चार होते हैं, जिसमें से आपका जितना भी तीन स होता है, तालव्य, मूर्धन्य स, दंत स और यह ह, ये सब उष्म व्यंजन में आते हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, अनुतान, ये सारे व्यंजन के ही भाग हैं। अगर हम देखें वर्ण का स्थान कहाँ से उच्चारण होता है, तो कंठ से उच्चारण होता है। अ, आ, क, ख, ग, घ, ये सारे जो है, ये कंठ से उच्चारण होते हैं। कुछ तालु से उच्चारण होते हैं, कुछ मूर्धा से उच्चारण होते हैं, कुछ दंत से उच्चारण होते हैं, कुछ ओष्ठ से उच्चारण होते हैं, कुछ कंठ तालु से उच्चारण होते हैं, कुछ कंठोष्ठ से उच्चारण होते हैं और कुछ दंतोष्ठ से उच्चारण होते हैं। अगर हम बात करें तो कंठ से तो अ, आ, क, ख, ग, घ, ये सब। तालु का अगर हम बात करें तो ई, दीर्घई, च, छ, ज, ये सब तालु से उच्चारण होने वाले हैं। मूर्धा से जो उच्चारण होते हैं वो री है, ड, ढ, स। दंत से अगर बात करें तो त, थ, ये सब। ओष्ठ से अगर बात करें तो क, उ, प, फ, ब, ये सब।
कंठ तालु से अगर हम बात करें तो ए ऐ, ये इस तरह से हम लोग स्वर और व्यंजन को जान सकते हैं। धन्यवाद।